हेलो गाइस, वेलकम टू सोमेल। दोस्तों, कॉपी पेस्ट आर्टिकल डाल के एडसेंस अप्रूवल लेने का सिर्फ दो सीक्रेट मेथड है। अगर आप लोग दो सीक्रेट मेथड को समझ जाते हो, आप भी आसानी से अप्रूवल ले सकते हो कॉपी पेस्ट करके। इसीलिए आपको सबसे पहले मेथड्स को समझना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग स्क्रीन पे हैं, अभी हम लोग बात करेंगे आप लोग कैसे कॉपी पेस्ट आर्टिकल डाल के भी एडसेंस अप्रूवल ले सकते हो और ये मेथड कैसे होगा आपको समझाता हूं, ठीक है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो, तो सबसे पहले ब्लॉगिंग सीखना चाहते हो, डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद यहां पे बेल आइकन पे क्लिक करें और ऑल पे दबाएं, ताकि जब भी मैं ब्लॉगिंग के रिगार्डिंग वीडियो डालूंगा आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों, अभी आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एडसेंस अप्रूवल के लिए आपको समझना पड़ेगा किस टाइप का कंटेंट डालना है, ठीक है। मान के चलिए आप कोई एंटरटेनमेंट नीच या फिर कोई ऐसे नीच पे काम करना चाहते हैं जिसपे अप्रूवल लेट होता है, तो आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसे नीच पे कंटेंट डालना पड़ेगा जिस नीच पे जल्द अप्रूवल मिलता है, और जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगा उसके बाद वो कंटेंट को धीरे धीरे रिमूव कर दोगे और अपना नीच को आप चेंज कर सकते हो। ये पहला मेथड याद रखे, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा आप लोग कॉपी पेस्ट कैसे करके अप्रूवल ले सकते हो। लेकिन दोस्तों, मैं यहां पे कॉपी पेस्ट वाला चीज को सपोर्ट नहीं करता हूं, क्योंकि अगर आप लोग कॉपी पेस्ट करके अप्रूवल लेना चाहते हो, इसका मतलब है आपको कंटेंट लिखना सही से नहीं आता है। और ब्लॉगिंग में इनकम करने के लिए आपको ब्लॉगिंग को सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप कंटेंट ही नहीं लिख पाओगे तो अर्निंग तो दूर की बात है ना। इसीलिए थोड़ा फोकस करो, आप लोग अच्छा कंटेंट लिख के भी आप लोग अप्रूवल डायरेक्ट ले सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कॉपी पेस्ट करके अप्रूवल लेने का, तो आज मैं दो तरीका बताऊंगा, इंपॉर्टेंट तरीका, उसको समझ लो, ठीक है। लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं कि ये मेरे लिए काम किया है तो आपके लिए काम करेगा, लेकिन काम कर सकता है अगर आप सही से इंप्लीमेंट करो तो, ठीक है। तो चलिए पहले मेथड पे बात करते हैं। तो पहला मेथड पे लोग क्या करते हैं, सीधे जाते हैं, लिखते हैं कोई भी कीवर्ड, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ऐसे कुछ कीवर्ड डाल दिया और अब सीधे एक वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, ठीक है। लोग यही ऑलमोस्ट करते हैं। इसी वेबसाइट को मान के चलिए टॉप जो वेबसाइट आ रहा है उसको ओपन कर लेंगे और इसका कंटेंट को सीधे ले लेंगे, क्या यहां से कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करके लेने के बाद वो लोग स्पिन करते हैं, ठीक है, स्पिन करके अपने वेबसाइट पे डालते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग दिमाग लगाइए, अगर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो ये कंटेंट है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग जो टर्म है, जो कीवर्ड है, वो बहुत ही पुराना कीवर्ड है। अगर आप इस तरह का कीवर्ड पिक करोगे ना, तो आपको अप्रूवल मिलने का चांस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप इसी तरह का कीवर्ड खुद भी लिखोगे तब भी आपको वैल्यू मिलने का चांस बहुत ही कम है। क्योंकि दोस्तों, गूगल कहता है कि भाई यूनिक टॉपिक पे कंटेंट डालो। अगर आप वही ओल्ड टॉपिक को लिखते जाओगे, क्योंकि इस टॉपिक पे गूगल के पास बेस्ट ऑप्शंस ऑलरेडी हो चुके हैं, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बहुत हाई अथॉरिटी वाले साइट्स ऑलरेडी रैंक्ड है, तो गूगल ऐसा नहीं, कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि आपका साइट को लेकर रैंक देगा, दूसरे साइट को डीरैंक करेगा। बहुत मुश्किल है, आपका न्यू वेबसाइट है, इसीलिए आपको इस पर कोई भी वैल्यू नहीं मिलने वाला है। इसीलिए हमेशा न्यू टॉपिक को फोकस करना चाहिए। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सिंपली यहां पे आपने रिसेंट आईपीएल हुआ था और आईपीएल के अंदर एक पॉपुलर एड चल रहा था टाटा न्यू एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। तो वही करते हैं। तो यहां पे हम लोग सर्च करेंगे हाउ टू क्रिएट टाटा न्यू अकाउंट, ठीक है। और ये कीवर्ड डालने के बाद आपको यहां पे अभी क्या करना है, थोड़ा फिल्टर लगा देना है, ठीक है, क्योंकि ये नया चीज था, मतलब टाटा न्यू जो ऐप था वो नया आया था। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको फिल्टर लगा के डाल देंगे, ठीक है। अभी देखेंगे कितने सारे यहां पे रिजल्ट है, पर्टिकुलर इसी कीवर्ड को टारगेट करके कितने सारे रिजल्ट यहां पे है। ओनली यहां पे 150 रिजल्ट यहां पे दिखा रहा है, और जैसे हम लोग क्रॉल करेंगे नीचे, देखिए यहां पे ओनली 3 पेज है, और यहां पे पहले, सबसे पहले देखिए सारे वीडियोज आ रहे हैं, कोई भी यहां पे वेबसाइट नहीं है। तो इसी पर्टिकुलर कीवर्ड को कोई भी टारगेट नहीं किया है, और थोड़ा रिसर्च करेंगे, सेकेंड पेज पे चलते हैं, और सेकेंड पेज पे जैसे ही जाएंगे तो यहां पे आप लोग देख सकते हो यहां पे भी सारे YouTube वीडियोस हैं। तो आप लोग देखो, उसके बाद यहां पे देखिए YouTube के बाद एक वेबसाइट आ रहा है टेक होल, ठीक है। तो इसको हम लोग ओपन करेंगे, टेक होल को आप लोग ओपन कर सकते हो, और टेक होल को ओपन करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहां पे वो पोस्ट कहां पे दिख रहा है, ठीक है। यहां पे देखिए हाउ टू क्रिएट टाटा न्यू अकाउंट इन 5 मिनट्स, तो इसी को ओपन करिए। दोस्तों, आप लोग समझिए, अगर आप लोग हाउ टू क्रिएट टाटा न्यू अकाउंट का जो पोस्ट है उसको कॉपी करते हो, इसके रिगार्डिंग ज्यादा पोस्ट है ही नहीं गूगल के पास, आपका कंटेंट थोड़ा बहुत कॉपी होगा तब भी चल जाएगा, क्योंकि गूगल के पास ज्यादा कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर आप सही से थोड़ा इसको क्या करोगे, इसको कॉपी करके
सीधे आप लोग एक काम कर सकते हो, स्पिन कर लेना, ठीक है। स्पिन करने के बाद थोड़ा हेडिंग का जो हेडिंग टाइप को थोड़ा चेंज कर लेना, उसके बाद आप लोग यहाँ पे इमेज वगैरह सही से थोड़ा खुद से लगा लेना, ठीक है। खुद से तो आप इमेज ले सकते हो ना, स्क्रीनशॉट वगैरह अपना मोबाइल पे वो आपको डाल के, तो वो चीज आप खुद कर लेना। उसके बाद आसानी से आप इसको यूनिक बना सकते हो, इस कंटेंट को, ठीक है। मान के चलिए ये एक यूनिक बन गया, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलने का चांस ज्यादा है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल यूनिक है। तो इसी तरह आप लोग न्यू टॉपिक पे फाइंड करो वेबसाइट, जो भी न्यू टॉपिक आप एडवर्टाइजमेंट पे देख रहे हो, टीवी पे, कहीं पे भी, ठीक है, मोबाइल पे, उनको सर्च करो और न्यू टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे ज्यादा रिजल्ट है ही नहीं, वैसे टॉपिक को टारगेट करके काम करो, 100% रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। आपने देखा, इसी तरह आपको फाइंड करना है। दोस्तों ये था पहला मेथड, आपको इसी तरह यूनिक टॉपिक को फाइंड करके काम करना पड़ेगा कि आपको इजीली रिजल्ट मिल जाए। अभी सेकेंड मेथड पे बात करेंगे। दोस्तों सेकेंड मेथड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, कॉन्टेंट उठाते हैं, ठीक है, कंटेंट उठाते हैं और कॉपी करके उसको स्पिन करते हैं, स्पिन करने के बाद डाल देते हैं। लेकिन मैं यहां पे आपको ये नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा अगर आप लोग कहीं से कॉपी कर रहे हो कंटेंट को, सबसे पहले वो कंटेंट को कॉपी करो, उसके बाद स्पिनर के थ्रू वो कंटेंट को स्पिन करो, ठीक है। मान के चलिए आपने स्पिन कर दिया, स्पिन करने के बाद उसका लैंग्वेज भी चेंज कर दो, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। पहले कंटेंट को कॉपी किया, उसके बाद स्पिन किया, स्पिन करने के बाद मान के चलिए वो इंग्लिश में था कंटेंट, ठीक है, इंग्लिश पे कंटेंट था, उसके बाद स्पिन कर दिया, थोड़ा कंटेंट चेंज हो गया, और ये कंटेंट चेंज होने के बाद आपको अगेन वो कंटेंट को हिंदी में कर देना है, या फिर मराठी पे कर देना है, या फिर बंगाली पे कर देना है, जो भी लैंग्वेज AdSense सपोर्ट करता है उस लैंग्वेज पे आपको चेंज कर देना है। तो ये बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप लोग ऐसे करोगे ना तो कंटेंट यूनिक हो जाएगा। उसके बाद प्रॉपरली हेडिंग्स को लिखना और थोड़ा बहुत इमेज सही से डालना और वीडियोस वगैरह इंसर्ट कर देना कंटेंट के अंदर, हो जाएगा आपका काम। और यही दोनों मेथड को हमने अप्लाई किया था और हमें रिजल्ट मिला था। लेकिन दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सबसे पहले कोशिश करें खुद कंटेंट लिख के अप्रूवल कराने का। अगर नहीं होता है आपसे काम, फिर भी कोशिश करें, क्योंकि कंटेंट लिखना तो आ ही जाएगा कुछ दिन के अंदर, लेकिन कोशिश करना बिल्कुल ना छोड़े। अगर फिर भी आप चाहते हो जल्द से जल्द अप्रूवल विदाउट वेट करके, तो ये मेथड्स को अप्लाई करो, रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि मुझे रिजल्ट करेंटली मिला है, और इसीलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, आप लोग इसी तरह कर सकते हो। और रिकमेंडेशन वही है हमेशा, आप खुद लिख के अप्रूवल लेने का कोशिश करो। ज्यादा पोस्ट नहीं चाहिए, 10-20 आर्टिकल के अंदर भी आपको अप्रूवल मिल जाएगा अगर हाई क्वालिटी पोस्ट आप लिख लेते हो। और अगर आप लोग बोलोगे कि भाई हमें कंटेंट लिखना आता ही नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, बहुत ही जल्द चैनल पे आपको डेडिकेटेड वीडियो मिलेगा, एक हाई क्वालिटी SEO फ्रेंडली कंटेंट कैसे लिखा जाता है, पूरा कंप्लीट डेडिकेटेड गाइड आएगा, जो कि आपको बहुत इजीली आप समझ आएगा। तो वो वीडियो देखने के लिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वो वीडियो जल्द चाहिए तो अभी के अभी कमेंट करें। तो आज का वीडियो बस यही तक था, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।